हेलो, कैसे हो? मजा आ रहा है लाइफ में? नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, आज हम बातें करेंगे बहुत सारी। यस, आप और मैं। तो मेरे चेहरे को अगर जज करने की कोशिश की तो जो बोलता है ना वही होता है, बस समझ जाओ। लाइफ में ट्रॉमेटिक टर्न हर किसी के आते हैं, मेरा भी आया था, विच वॉज द एक्ने स्टोरी। मेरी लाइफ में ग्राफ है ना ऐसे जा रहा था, ऐसे बिल्कुल, मतलब ऐसे लग रहा था किसी ने प्लेन क्रैश कर दिया। जिसने भी द एक्ने स्टोरी देखी है उन्हें पता है कि भाई क्या ट्रॉमेटिक टर्न था। पहले ही मैंने द एक्ने केयर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि बहुत सारे लोगों ने अवॉइड करा है और बहुत सारे लोगों को कमेंट आए। मेरा गला खराब है तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज DMs, ईमेल्स और कमेंट सेक्शन में भरमार है भाई, कमेंट्स की बहुत भरमार है। वैसे तो बहुत लोगों ने सपोर्ट दिया है, काफ़ी सारे लोग आए हैं आगे कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे बहुत यू नो फील होता है, रोना आता है और मुझे भी रोना आता है यार। मैंने क्या बताऊँ, मैं हंसती रहती हूँ बट आँख में देखो आंसू आ रहे हैं। Did you see it? Yes. तो ये सारी चीज़ें होती रहती है यार, क्योंकि मुझे पता है वो ड्रामेटिक टर्न बहुत ही बेकार था। तो अभी भी मैं स्माइल करने की कोशिश इसलिए करती हूँ क्योंकि यार एक लाइफ मिली है, क्यों ना पूरी तरह जिए। मतलब इतने अच्छे से मैंने नेल्स लगाए थे कल रात को और आज निकल गया, तभी भी कोई बात नहीं, चलता है फिर से चिपका लेंगे नेल्स। बट पता है दिल पे क्या लगी मेरे? कमेंट सेक्शन में, बहुत सारे ईमेल्स में मुझे काफ़ी लोगों ने है ना अपनी परेशानियां बताई, एंड इट एक्चुअली यू नो यहाँ पे लगी है। तो बात ये है कि यार लाइफ में ये प्रॉब्लम्स तो है बट डोंट गिव अप, ओके? एंड आप लोगों ने मुझे इतना इम्पोर्टेंट समझा कि आप लोग मेरे साथ शेयर कर रहे हो, विच इज़ रियली ग्रेट थिंग, बिकॉज यू नो आप आगे आ रहे हो, बेसिकली आप मुझे अपना दोस्त समझ रहे हो और मैं हूँ आपकी दोस्त। तो आप इस YouTube फैमिली का हिस्सा हो मेरी अब, एंड आप आगे आ रहे हो बेसिकली, अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर रहे हो, तो मैं आपको इम्पोर्टेंस ज़रूर दूंगी। जितनी भी मैं चीज़ें ट्राई करती हूँ सारे के सारे शेयर कर रही हूँ अपने YouTube चैनल के थ्रू। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। इस वीडियो में मेजॉरिटी कमेंट या रिप्लाई जो मुझे आए हैं हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अलग अलग कैटेगरीज में मैंने उन्हें डिवाइड कर रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ना भूलना मत क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डिटेल होती है जो कि बहुत सारे लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं और वो मिस कर जाते हैं और फिर वो मुझसे फिर से पूछते रहते हैं। जैसे कि एक मुझे हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, कौन सा टोनर यूज़ करते हो? आई हैव मेंशन्ड दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन द एक्ने केयर वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है माय एक्ने स्टोरी या फिर जो भी वीडियोस है मेरी पुरानी वाली एक्ने से रिलेटेड और सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको मेरी अभी स्किन देखनी है तो मुझे पिंपल आया था और यहाँ पे भी मुझे पिंपल आया था एंड यहाँ पे भी मुझे पिंपल आया था बिकॉज पीरियड्स हर महीने खेलते हैं हम लड़कियाँ, क्या कर सकते हैं। मेडिसिन बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि कौन सी मेडिसिन आप लेते हो, आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, मैंने 3 मेडिसिन ली थी। पहला है विटामिन ई, तो विटामिन ई मैंने डेली 1 लेती हूँ, 15 डेज का गैप देती हूँ आफ्टर 20 डेज एंड फिर से मैं 20 डेज फिर से विटामिन ई खाती हूँ बिकॉज मॉइस्चर मुझे बॉडी में चाहिए। वैसे आदत नहीं लगानी चाहिए बॉडी को कोई भी दवाई की या फिर ऐसी चीज़ों की, आपकी बॉडी खुद ही ये चीज़ें बनाएगी अगर आप प्रॉपर डाइट रखते हो तो, बट तभी भी अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। दूसरी मेडिसिन जो मैंने ली थी दैट वॉज सिट्रिजन, ओके? या सिनारेस्ट आप ले सकते हैं, सिट्रिजन से बहुत ज़्यादा नींद आती है तो वो इमरजेंसी में मैंने ली थी फॉर एलर्जिक जो एक्ने थे उसके लिए। सिनारेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको कम नींद देती है, मैं अपने ओपिनियन दे रही हूँ, ठीक है? जो मैं चीज़ यूज़ करती हूँ वो आपको बता रही हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है? थर्ड चीज़ होती है हार्मोनल एक्ने। अगर आपको हार्मोनल एक्ने है जो कि मेरा भी केस था तो उसके अंदर ये दो मेडिसिन मैंने ली थी। ये दो मेडिसिन में से कोई भी आप एक ले सकते हो, एक याद रखना, जो भी मैं मेडिसिन का नाम बता रही हूँ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा।
उस मेडिसिन के नाम को आप कॉपी करके गूगल पे सर्च कर सकते हो किस बारे में. इवन इफ आई सजेस्ट समथिंग, उसकी इन्फॉर्मेशन आप गूगल पे सर्च करके देख लो एक बार, ताकि आपको श्योरिटी हो जाए व्हाट यू आर टेकिंग एंड आपको एक नॉलेज भी हो जाए कि क्या एक्चुअली में चल रहा है. ठीक है. रिसेंटली आई केम अक्रॉस दिस ब्रांड कॉल्ड मार्स बाय GHC. देयर मोटो इज लेट योर स्किन रिफ्लेक्ट यू. इफ यू चेक देयर साइट, देयर आर लॉट ऑफ यूनिसेक्स प्रोडक्ट व्हिच they offer. The categories are beard, hair, performance, skin, weight loss and sleep. You can also consult with the expert on their site. The site link is www.ghc.health. You can check it out in the description box. In skincare category, you will find products like anti-acne gel, glowing serum, anti-aging serum and derma roller. Since my priority was to improve my skin texture, I chose the glowing skin serum, which will hydrate my skin, boost radiance and even out skin tone. The skincare product that they offer are non-drying, cruelty-free, hypoallergenic and alcohol-free. See glowing serum have multani mitti, vitamin C, turmeric extract, cocoa butter and 10% niacinamide, which will ensure that your skin is smooth, moisturized. And if you are having an acne problem, the acne scar will fade away. अगर आपकी थोड़े pigmentation भी है या फिर अगर आपकी open pores भी है, it will take care of that. But एक चीज़ मैं बोलूँगी, इन चीज़ों पे पूरी तरह depend मत होना. आपका lifestyle भी बहुत matter करता है. आप क्या खाते हो, अपने face पे और चीज़ें क्या लगाते हो, वो भी matter करता है. Okay? You guys, you want a demo? I know. ग्लोइंग सिरम को मैं ड्रॉपर की हेल्प से निकालने वाली हूँ. यू कैन नॉट टू अप्लाई. अब हम इसे मर्ज करेंगे. इसका डिफरेंस आपको मैं हाथ पे अपने दिखा रही हूँ. नाइसिनामाइड ओपन पोर्स हटा देता है और विटामिन सी, अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो वो मेरी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा. अगर मैं घर पे हूँ ऐसे ही विटामिन सी लगा रही हूँ, देन वो मेरी स्किन पे जो एक्ने की स्कार्स है ना, ये वाला जो स्कार है वो फेड आउट कर देगा. मतलब तो मैं सबको ज़रूर दिखाती हूँ. एंड दिस इज़ द स्कार जो एक साल पहले मुझे लगा था उसका, एंड इट फेडेड अवे रियली नाइसली. सो आई यूज़ द स्टफ इन ऑर्डर टू हील इट क्विकली, बिकॉज जो मेरा लाइफ स्टाइल है उसमें मैं गिरती पड़ती रहती हूँ, तो मेरे फेस की बैंड बच जाती है. एंड आई कैन इवन अप्लाई इट ऑन माई बॉडी. अगर कोई भी बॉडी पार्ट है, जैसे कि अगर मेरे बैक पे कोई एक्ने है, एक्ने स्कार है, तो वहाँ पे भी मैं ये लगा सकती हूँ, बिकॉज इट इज सिरप. आप लोगों के कमेंट पढ़ पढ़ के मैंने एक चीज़ समझ ली कि काफ़ी सारे लोग हैं जो कॉन्फिडेंट नहीं है अबाउट देयर लाइफ बिकॉज ऑफ अदर पीपल ओपिनियन. कमेंट जो कि मेरे वीडियो के नीचे यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, उनके नाम नहीं मेंशन करूंगी. आई वॉन्ट यू पीपल टू नो दैट कि आपके लाइफ में जो भी चल रहा है प्रॉब्लम, दैट्स ओके. ठीक है, दूसरों की ओपिनियन नहीं मैटर करती. ओके, व्हाट मैटर्स इज योर कॉन्फिडेंस. आप उसी चीज़ को, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है उसे ठीक करने के लिए क्या करते हो, दैट मैटर्स. दूसरों की ओपिनियन नहीं मैटर करती. वो लोग नहीं आ रहे आपको बचाने के लिए, आपको खुद को बचाना है. ओके, एक पर्सन ने 4 हफ्ते पहले एक कमेंट किया है. आई क्राई एवरी डे बाय सीइंग गर्ल्स विद क्लियर स्किन. दे गो कॉन्फिडेंटली बट आई डोंट पार्टिसिपेट इन एनीथिंग एंड डोंट गो टॉक विद न्यू पीपल बिकॉज आई डोंट वॉन्ट देम टू स्टेयर एट माई फेस विद डिस्गस्टिंग रिएक्शन. नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. आई डोंट केयर इफ एनी ऑफ माई फ्रेंड और एनी अननोन पर्सन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ इशू ऑन देयर फेस. आई एम जस्ट टेलिंग यू माई एक्सपीरियंस और मैं कैसे अप्रोच करती हूँ. बेसिकली वॉट मैटर्स इज कि आप कैसे हो, आप कैसे बिहेव करते हो दूसरों के साथ, क्या आप उनके इंक्लूड करते हो, या आप यू नो एटीट्यूड शो कर रहे हो, या फिर आपको बोलना नहीं आता. बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, ठीक है, ये मैटर करता है. तो अगर आप कह रहे हो कि आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप यू नो कोई भी प्रॉब्लम ले लेते हैं यार, स्किन की नहीं लेते, कोई भी प्रॉब्लम ले लो, ठीक है, आप छोटे हो, आप बड़े हो, आप हेल्दी हो, आप बहुत पतले हो, डजंट मैटर. अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप जाके बात तो करो. मैं अपने इससे आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ. कोई कैसा भी हो, ठीक है, कैसा भी दिखता हो, कुछ भी हो, If that person have a confidence to talk to me,
एंड एट द सेम टाइम दैट पर्सन इज गिविंग मी इम्पोर्टेंस इज पोलाइट आई विल टॉक टू देम एंड आई विल बी देयर फ्रेंड दैट्स कमिंग बैक टू द कमेंट वेन एवर आई गो आई विल फाइंड अ प्लेस टू हाइड एंड इट रून माई लाइफ डोंट रून योर लाइफ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्ने रियली आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करो मैं यही बोलूँगी एंड बिग हग्स टू यू बिकॉज यार ट्रूली इट इज़ नॉट गुड फॉर यू इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू सो जस्ट डोंट डू इट डोंट बी हार्श टू योर सेल्फ सेकेंड काइंड ऑफ कमेंट विच आई ऑलवेज गेट अंडर द कमेंट सेक्शन ऑफ माई वीडियो इज द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग इज द पीपल अराउंड अस ट्रू Everyone look at the pimple first and they always question what happened to your skin. It was looking gorgeous and they don't know how much painful it is. Yes, true. They don't know how the pain is until they go through it. So basically, जब तक उनके साथ नहीं होगा उनको नहीं पता चलेगा आपको बताना पड़ेगा कि मुझे इन चीज़ों से हर्ट हो रहा है You have to take a step. Okay? आप अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी दोगे कि वो आपको कुचल सके तो वो करेंगे देर आर टू ऑप्शन आइदर वॉक अवे फ्रॉम देम इफ यू कांट देन टेल देम दैट दे आर हर्टिंग यू दैट्स द ओनली थिंग एंड ये एक्ने एंड बाकी सारी जो बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें नहीं मैं और भी चीज़ों में बोल रही हूँ कि अगर आप मेंटली स्ट्रेस हो आपकी लाइफ अच्छी नहीं जा रही है टॉक टू पीपल हु यू थिंक are deserving enough to talk about that problem. People are coming out, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हाँ बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम कैसे उन्हें फील हो रहा है बिकॉज अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है थर्ड पर्सन भी आपकी बात नहीं सुन रहा है तो कोई बात नहीं आप मुझसे बात करो ओके कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू तो लाइक करना भूलना मत इस वीडियो को तो इस कमेंट में लिखा है आई एम लिटरली क्राइंग जस्ट लाइक यू ते उफ I can't bear this anymore. I miss my clear skin so bad. Anyway, I'm so happy for you. I don't want anyone else to have this pain. I also don't want anyone else to have this pain because I've gone through it and I know what I did. So I'm sharing this video so that if in case someone is going through the same kind of problem, they can take a look at the video. They can collect the info I'm telling. They can collect the info by watching my video and other people's video and try it out. If it works for you, great. If it doesn't work for you, do one thing. Do not stop trying. Okay? Just believe in yourself. Check karo, observe karo ki kya cheez aapke liye kaam aa rahi hai and jo cheez aapke liye kaam aa rahi hai, do that constantly. If there is a problem going on in your life, then feel free to share with us. I am saying us. बिकॉज मैं हूँ यहाँ पे मेरे YouTube चैनल पे और हमारी 20K प्लस YouTube फैमिली है तो यहाँ पे सिर्फ मैं नहीं हूँ जो आपकी बात सुन रहा होगा और भी 20,000 लोग आपकी बात सुन रहे होंगे और ये फैमिली बढ़ती जाएगी और वहाँ से आपको सोल्यूशन मिलते जाएंगे सो फील फ्री क्योंकि यहाँ पे कोई जज नहीं करने वाला है आपको और एक ही चीज़ होने वाली है हमारी YouTube फैमिली में कि हम आपको एक्सेप्ट करेंगे सोल्यूशन बताएंगे जो हमने ट्राई किए हैं एंड ऑनेस्टी रहेंगे Up next.